अब देश ने क्या पाया क्या खोया इस साढ़े चार साल के अंदर, मैं जनता के बीच में आया हूँ जनता से पूछने के लिए कि उन्होंने क्या पाया और क्या खोया। जी सर बताइए, साढ़े चार साल के अंदर या 14 के बाद से क्या पाया और क्या खोया? 2014 के बाद जो जनता है, जिसने मोदी जी को बेसिकली युवाओं ने बहुत खुल के सपोर्ट किया, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसने है ना एक एक्सपेक्टेशन के साथ उनको वोट दिया, पर प्रचंड बहुमत से वो विजयी भी हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने इतनी नाउम्मीदी फैला दी कि लोगों में बेस मेनकर बिजनेसमैन और युवाओं में उन्होंने इतना ठगा हुआ वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जैसे उन्होंने GST लाई, GST के वजह से सारे बिजनेस ठप हो गए, 80% बिजनेस ठप हो गए, और जो 50 करोड़ की कंपनी थी वो 5 लाख पे आ गई। और बेसिकली ये मोदी सरकार जो काम कर रही है, बड़े कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है, युवाओं पे, किसानों पे, या जो उनसे एक्सपेक्टेशन रखते थे उनके किसी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया। अभी 4 साल में उन्होंने एक चीज दी, बस गोबर, गाय, चाय, GST, ऐसे ही बहुत कुछ दिया। उसके बाद से ये है ना, मैं अंग्रेजी हुकूमत जैसे काम करती थी वैसे ही काम करते हैं। जो भी अगर इनसे कोई सवाल पूछता, अपने हक की मांग करता है, 15 लाख की, रोजगार की, अगर वो किसी पार्टी से, तो उसको ED, CBI इसके थ्रू या जैसे भी उसको धमकाना, उसको वो करना, या तो आप BJP के सपोर्ट में बोलो, अगर सवाल करोगे तो या तो जेल जाओगे या ED, CBI। क्या खोया? मैंने तो कुछ नहीं पाया, सबसे बड़ा जुमला पाया देश में, जुमला से बड़ा कोई विकास नहीं हुआ देश में। जितने उन्होंने बोला था युवाओं को रोजगार के लिए, किसान का कर्ज माफ़ी के लिए देश में और विकास, GST ने तो छोटे मोटे बिजनेस का तो कमर ही तोड़ दिया, बड़ा बिजनेस को फ़ायदा पहुंचाया, छोटे बिजनेस का कमर तोड़ दिया। ये सबसे बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो देश को एकदम निचले स्तर पर ला कर खड़ा कर दिया। अच्छा सर बताइए, क्या मिला देश को, आप बताइए क्या पाया क्या खोया? और मैंने तो ऐसा महसूस किया कि इस देश में 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई, इसने सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, इसने रोजगार छीनने का काम किया, इसने व्यापारियों को, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आजादी के बाद हिंदुस्तान का आमजन कभी इतना परेशान नहीं हुआ जितना परेशान 4 साल में भारतीय जनता पार्टी। जी सब कुछ खोया है अभी तक 4 सालों में हमने, पाया है तो सिर्फ नोटबंदी और जातिवाद पर जो लोग अपना ध्यान रखते हैं उनको गाय मिली है, और मुसलमानों को मिली है मारपीट, और इस तरह की मतलब ये समझिए कि देश छोड़ो, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाओ, अगर कोई कुछ बोल देता है तो उसको पाकिस्तान जाने की धमकी मिल जाती है। और आज भी मैं बैंक में लाइन लगा के आया हूँ, कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी KYC के नाम पर, कभी किसी ATM के नाम पर, और कभी 5 लाख और 2.5 लाख के कैश के नाम पर, हर तरह से पब्लिक परेशान है। जी आप बताइए क्या मिला देश को, क्या बताना चाहेंगे? मैंने जो जब किया है, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है, तो मैं जब पढ़ाई कर रहा था 2014 में, तो मुझे बहुत खुशी हुआ मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत खुशी था। लेकिन मैं जब पास आउट होकर निकला तो मैंने ये चीज़ देखा कि आज के डेट में कोई किसी को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिला है, एक ही बात बस, रोजगार अलग और किसान के मुद्दे अलग, सब कुछ अलग, बस गाय, राम मंदिर तो कुछ सिर्फ कास्टिज्म की बात, तो वहाँ दंगे तो यहाँ दंगे, बस मैंने यही ऑब्जर्व किया अभी तक। जी बताइए अब क्या कुछ करना चाहते हैं? हाँ, मोदी जी के आने से एक चीज और बहुत अच्छा हुआ, जितनी भी महंगाई थी वो इतनी बढ़ गई कि अब कोई अपोजिशन रहा नहीं कि जो अगेंस्ट में बात करे महंगाई की। एक वक्त था जब पेट्रोल के, गैस के, सिलेंडर के रेट बढ़ते थे, तो ये सुषमा स्वराज अपने जो अध्यक्ष थे इनके अपोजिशन के, ये लोग रोड पे सिलेंडर लेके और बैलगाड़ी से ये घूमते थे। आज ये महंगाई कहाँ गई जब क्रूड ऑयल इतनी सस्ते हैं, और आज के डेट में ये पेट्रोल डीजल बढ़ते जा रहे हैं, और एक महंगाई के अगर पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है तो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, बस मुंह के बात करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, इतने ठग रहे हैं कि किसान तो सुसाइड कर ही रहे हैं। जो आज की डेट में युवा है जो एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे मार्केट में, आज वो 4 साल क्या 3 साल से इंजीनियरिंग करके, BTech करके और बहुत सारी पढ़ाइयां करके आज के डेट में वो बेरोजगार है। लेबर कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं,
वो कह रहे हैं कि मैं लेबर में काम कर लूंगा, लेकिन और मोदी जी को गाली भी दे रहे हैं, और गाली देने के साथ साथ उनकी मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी वो इतनी बैकफायर हो गई है। हो सकता है कि अगले चुनाव में ये ऐसे अपोजिशन जैसे आज कांग्रेस की हालत है उससे भी बुरी हालत ना हो जाए। अच्छा, एक सवाल है कि 19 आ चुका है, कुछ दिनों में चुनाव होगा, दो तीन महीने के बाद, क्या लगता है? चुनाव में इनको तो जनता जवाब दी, जो जनता जो ठगी महसूस कर रही है अपने आप को, वो इस बार उनको अपने वोट से जवाब देगी। उनको रोजगार चाहिए, उनको बिजनेस चाहिए, उनको किसानों के लिए चाहिए, हर आदमी को अपनी तरक्की चाहिए। अगर वो ऐसे लोगों को चुनेंगे जो तरक्की पसंद लोग हैं, जो सबका ख्याल रखते हैं, इनका एक डायलॉग था सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक, सबका साथ सबका विकास। और ये 2-4 साल से इनकी गवर्नमेंट है, इनकी सेंटर में भी गवर्नमेंट। सर, 14 के बाद से क्या मिला आपको, क्या पाया, क्या खोया? 14 के बाद से हमने सिर्फ जुमले पाए और हमने झूठे वादे पाए और परेशानियां पाई। डिमोनेटाइजेशन से कितने लोगों की जान गई आपको पता है, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई आपको पता है, और उसके साथ साथ हमने इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है और जो संविधान और हमारी जो आईन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर जो हमला हुआ है, इसके इरादे और उनकी जो बातें हैं, इसका जो चुपता हुआ जो एक तीर है वो हमारे सीनों में, जो हम देशभक्त लोग हैं, जो आईन को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ये पाया है। और इससे ज़्यादा हम क्या पा सकते हैं? पिछले 5 सालों में मुझे लगता है कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी सिर्फ जुमला ही पाया है। ना मंदिर बना, ना यमुना साफ हुई, ना गंगा साफ हुई, और ना ही जितने भी वादे थे मोदी जी के, वो भी सिर्फ और सिर्फ जुमला साबित हुआ। यही पाया कि 14 के बाद से जब बीजेपी सरकार आई, देश ने क्या पाया और क्या खोया? सर बताइए। सर, हमने कुछ नहीं खोया है और ना कुछ पाया है, और बीजेपी सरकार जो है मेरे हिसाब से अच्छी सरकार, अच्छा काम कर रही है इंडिया के लिए। लोग दिल्ली में तो चलो ये आम आदमी पार्टी है, लेकिन मैं दिल्ली से नहीं हूँ, हिमाचल से हूँ, लेकिन हिमाचल में अच्छा काम करा है बीजेपी वालों ने, और इंटरनेशनल लेवल में अच्छा काम करा है मोदी जी ने। सबसे अच्छा काम मोदी जी ने करा है इंटरनेशनल लेवल में। आप कहाँ से हैं? सर, मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं। सर बताइए, आपने 14 के बाद से जब बीजेपी सरकार आई तो क्या पाया और क्या खोया? सर, मैंने तो सबसे पहले ये पाया कि नोटबंदी पाई, उसके बाद GST मिली हमारे को, उसके बाद जो है कैशलेस मिला हमारे को, और जो भी है अब जितने भी इलेक्शन होते आ रहे हैं उसी में ये डिसाइड हो पा रहा है कि किसने क्या खोया क्या पाया, उसी से डिसीजन मिल पा रहा है। सरकार कौन सी अच्छी थी, 14 से पहले वाली, 14 के बाद वाली? नहीं, आज तक जो सरकारें आई हैं, जब ज़्यादातर कांग्रेस ने ही राज करा है और कांग्रेस ही चला सकती है आज के राज में। जी भाई, आप बताइए 14 के बाद से क्या पाया, क्या छोड़ा? हमने मनमोहन सिंह गवाया और मोदी पाया। जी, सरकार तो क्या अच्छी रही? सरकार फिलहाल तो ठीक ही चल रही है, आगे भगवान मालिक है। 14 के बाद से हमारे देश की जनता ने क्या पाया क्या खोया है, इस टॉपिक पर हम बात करने के लिए ओखला आए हुए हैं। सर बताइए, क्या पाया क्या खोया 14 के बाद से? देखिए, सड़कों का निज़ाम बिल्कुल ही सही नहीं है, हर जगह गड्ढे हैं पूरे ओखला में, और पूरे दिल्ली का हाल बहुत बुरा है पॉल्यूशन से, और सड़कों पर डस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरा मानना ये कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। जी, आप बताइए क्या पाया क्या खोया? खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं है। अच्छा, जी जी, खोया ही खोया कि पेट्रोल, GST, नोटबंदी, तो खोया ही खोया है। नोटबंदी में देखिए कितना परेशानी हुआ, बहुत परेशानी झेलना पड़ा, और GST, पेट्रोल, तो यही खोया ही खोया है। पाया बताइए, जी, 14 के पहले सरकार अच्छी थी, अभी वाली अच्छी है? तो सरकार तो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। सरकार में कोई फायदा नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं है। जी जी, आप बताइए क्या पाया क्या खोया 14 के बाद से? हमने बहुत कुछ खोया है, जो स्कूल की फीसें वगैरह थी उनकी बढ़ गई है, और बहुत से बच्चे जो फेल हुए हैं, ज़्यादातर मोदी सरकार के राज में ही फेल हुए हैं 14 के बाद से अब तक। तो चाह रहे हैं कि अब कोई अच्छी ढंग की सरकार आए और देश। किसको लाइक करते हो 19 में, क्या करोगे 19 में? तो सोच रहे कांग्रेस आएगी तो ज़्यादातर बेहतर होगा। 14 के बाद से आपको क्या मिला? 14 के बाद से हमें GST मिली है, नोटबंदी मिली है, और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। क्या पोजीशन है, क्या हाल है काम का? काम का बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हैं मार्केट में बिल्कुल कुत्ते रो रहे हैं।
कोई भी कुछ कारोबार नहीं। जी भाई बताइए, आप बताइए क्या मिला जीएसटी के नोटबंदी के बाद से? कोई फायदा नहीं है इस चीज से, कुछ भी फायदा नहीं है। कारोबार से हाथ धो बैठे, काम से हाथ धो बैठे, कोई फायदा नहीं। कस्टमर आंधीरा मार्केट में, बिल्कुल पैसा है नहीं पब्लिक के पास, सब परेशान है ऊपर से लेकर नीचे तक। पर ये सरकार खुश है। सरकार पहले की अच्छी थी अभी की अच्छी है? सरकार पहले की अच्छी थी, अभी की बेकार है सरकार। अच्छा ये बताइए हमें कि 2019 आने वाला है, सपोर्ट किसको करोगे, क्या लगता है? सपोर्ट तो एक ही चांस है बस, कांग्रेस को सपोर्ट करनी, और किसी को नहीं, क्योंकि कांग्रेस ये जो काम कर सकती है बस। ये थी ओखला के पब्लिक का हाल कि जीएसटी के बाद नोटबंदी के बाद से कुछ नहीं मिला है, मार्केट सूना पड़ा है, खाली पड़ा है, ना कस्टमर है, ना काम है, ना कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक सवाल है 19 का, तो बताते हैं लोग कि 19 में तो कांग्रेस के साथ ही हम जाएंगे। MS अख्तर खान, न्यूज़ मैक्स, न्यू दिल्ली।